नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। आज हनुमान जयंती है और यह देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही आज चैत्र माह की पूर्णिमा भी है। इस दिन भगवान शिव के 11वें रूप रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान जी की पूजा करने से 2 गुना फल मिलेगा। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करने से भगवान खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा करते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप ज़रा सी भी भूल करते हैं तो पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखने से आपको फल मिल सकता है। भगवान हनुमान जी को भूलकर भी चरणामृत का भोग न लगाएं। ऐसा करने से भगवान रूठ जाते हैं। हनुमान जी की पूजा के दौरान लाल, भगवा या पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करें। भूलकर भी सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। कभी भी झूठे मुंह से उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस दिन अगर कोई महिला हनुमान जी की पूजा करती है तो उन्हें स्पर्श ना करें। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो भूलकर भी हनुमान जी की पूजा ना करें और मंदिर भी ना जाएं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आपको हनुमान जयंती के मौके पर किन किन चीज़ों का ध्यान करना है। हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और आज की पूजा को खास बनाएं। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।